स्केड्यूल नंबर वन, स्केड्यूल नंबर वन क्या है कि ऐसी एक्टिविटी जहां पर कंसिडरेशन नहीं है फिर भी हम उसे क्या मानते हैं, बिना कंसिडरेशन के भी क्या मानते हैं, सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, और उस पर जीएसटी लगता है इवन बिना कंसिडरेशन के। तो सबसे पहला है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट। आपने क्या करा, आपने बिजनेस असेट खरीदी और उस असेट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, और अब उस असेट को आप किसी और को दे रहे हैं और उसके लिए आप कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो भी हम उस पर जीएसटी लगाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया हो। एग्जाम्पल देखिए, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट फ्रॉम होल्डिंग टू सब्सिडरी कंपनी फॉर निल कंसिडरेशन। देखिए, होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसका सब्सिडरी के 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर्स होते हैं। तो अगर होल्डिंग के पास 50% से ज्यादा शेयर्स हैं सब्सिडरी कंपनी के, हो सकता है 100% हो, तो वो दोनों एक ही हैं। लेकिन अगर 100% नहीं है, 50, 60, 70% है, तो भी अगर एक होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर करेगी तो उसे हम सप्लाई मानेंगे, प्रोवाइडेड होल्डिंग कंपनी ने उस पर क्या ले लिया हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक क्लोथ रिटेलर है, उसने कपड़ा अपने बिजनेस स्टॉक से अपने फ्रेंड को दिया फ्री में, ले भैया ले ले, फ्री में ले ले। इन दिस केस ट्रांसफर ऑफ बिजनेस स्टॉक वुड अमाउंट टू सप्लाई इफ ही हैड क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इज परचेज ऑफ बिजनेस असेट। यहां रीजन क्या है ये समझो। देखिए, इनपुट टैक्स मैंने दिया, आउटपुट टैक्स कैसे कहते हैं, आउटपुट टैक्स होता है सेल करने पर, ठीक है ना, सप्लाई करने पर। तो आउटपुट टैक्स आया मेरे पास सप्लाई करने पर, मेरे पास पड़ा हुआ है मान लिया 4,000 का, मेरे पे इनपुट टैक्स है 5,000 का, चलो आउटपुट टैक्स बढ़ा लेते हैं 8,000 का है। मैंने ये पूरा का पूरा सेट ऑफ कर दिया, तो इसका पूरा क्रेडिट मैंने ले लिया। और ये वाला जो माल है या असेट है या माल जो भी है, इसको मैंने फ्री में दे दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्यों इनपुट टैक्स क्रेडिट करना दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है जब भी आप इसे आगे बेचोगे और आगे टैक्स मिलता रहेगा, आपने फ्री में दे दिया, तो ये जो टैक्स आपने ले लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, इसका आउटपुट टैक्स, इस वाले माल का आउटपुट टैक्स तो गवर्नमेंट की जेब में आया ही नहीं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ऐसी सिचुएशन में, या तो अगर आपको फ्री में देना है तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मत लो, लेकिन अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं तो हम इस पर जीएसटी लगाएंगे, इसे सप्लाई मानेंगे। दूसरा है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर सेक्शन 25 व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं वो भी देखेंगे, सेक्शन 25 में डिस्टिंक्ट पर्सन कौन है वो भी देखेंगे। सबसे पहले रिलेटेड पर्सन, तो रिलेटेड पर्सन का मतलब ऑफिसर या डायरेक्टर है तो वो रिलेटेड पर्सन है, बिजनेस में पार्टनर है तो रिलेटेड पर्सन है, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेटेड पर्सन है, पीके एंड एसोसिएट एक फर्म है सीए की और एक एम्प्लॉयर है, ठीक है। हु इज रिप्रेजेंट हिज एम्प्लॉई बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटीज बट डज नॉट चार्ज एनी प्रोफेशनल फीस इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेम, इट वुड कॉन्स्टिट्यूट ए टैक्सेबल सप्लाई अंडर जीएसटी। देखो क्या सिचुएशन है,
एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, रिलेटेड पर्सन है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के लिए कुछ काम करा, सप्लाई और सर्विस है, लेकिन पैसा चार्ज ही नहीं करा, तो उसको क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा और उस पर जीएसटी लगेगी. प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग 50,000 इन वैल्यू इन ए फाइनेंशियल ईयर बाय एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई शैल नॉट ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. हमने इनकम टैक्स में पढ़ा है कि 50,000 रुपए तक का गिफ्ट फ्री है. जब 50,000 रुपए तक का गिफ्ट फ्री है तो वो बात यहां पर भी अप्लाई कर दी कि 50,000 तक फ्री है, उसके ऊपर अगर है तो टैक्सेबल है. फॉर एग्जाम्पल, पीके प्राइवेट लिमिटेड ने दिवाली गिफ्ट दिया एम्प्लॉई को, हर एम्प्लॉई को 75,000 रुपए. सिंस एन एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर आर कंसिडर्ड एज ए रिलेटेड पर्सन, सच गिफ्ट ट्रीटेड एज सप्लाई एंड वुड बी लिवाइबल टू जीएसटी ऑन द एंटायर वैल्यू ऑफ 75,000. यहां जीएसटी लगेगा. तो कौन कौन हुए? नंबर वन, ऑफिसर या डायरेक्टर. नंबर टू, पार्टनर. नंबर थ्री, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशन में. नंबर फोर, एनी पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओन कंट्रोल और होल्ड 25% और मोर आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक. तो 25% या उससे ज्यादा इक्विटी राइट है, पावर है आपका बिजनेस में, कंट्रोल है 25% या उससे ज्यादा, तो भी वो क्या है? रिलेटेड पर्सन है. वो तो है ही, वो तो अलग बात हो गई. चार, जीएसटी अलग है, इनकम टैक्स अलग है. इनकम टैक्स ये कहता है कि 50,000 से ज्यादा है तो वो सैलरी की इनकम है, वो अलग चीज है. और जीएसटी एक अलग है. जीएसटी कहता है कि हमारा सप्लाई पर टैक्स, ठीक है ना. अब आप ये कहने लगे, जी हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करते हुए माल खरीद रहे हैं, माल खरीदने पे जीएसटी दे रहे हैं, तो पीजीपीपी में माल खरीदने बेचने का हिसाब ही नहीं होना चाहिए. ये थोड़ी ना बात हुई. पीके ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के पास तीन कंपनी है, पीके लिमिटेड, डी लिमिटेड, यू लिमिटेड एंड एस लिमिटेड. अरे चार हो गई, तीन हो रहे, चलो है ना. तो पीके लिमिटेड इसे पेरेंट कंपनी और इनके पास 25% सब कंपनियों के हैं, तो सब कंपनी आपस में रिलेटेड है, ठीक है. वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर, एक दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो भी रिलेटेड माना जाएगा. बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन, तो भी रिलेटेड माना जाएगा. टुगेदर और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर हम किसी को कंट्रोल करते हैं, मेंबर है सेम मेम, टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल ए थर्ड पर्सन और दे आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, तो भी रिलेटेड हो जाएंगे. पर्सन हु आर एसोसिएटेड इन द बिजनेस ऑफ वन अनदर इन वन ऑफ सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर, तो रिलेटेड हो जाएंगे. दे आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, फैमिली का मतलब स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर, ये सब, ये भी सब रिलेटेड है. तो हम बात कर रहे थे नंबर टू की, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है रिलेटेड पर्सन में, वो हमने देखा रिलेटेड पर्सन में कौन कौन आता है, और डिस्टिंक्ट पर्सन सेक्शन 25 में. अब ये कौन है डिस्टिंक्ट पर्सन सेक्शन 25 में? असल में क्या है कि अगर आप अलग अलग जगह रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मान लिया मैं हूं, मैं दिल्ली में हूं, मैं यूपी में हूं, मैं हरियाणा में हूं, मैंने अलग अलग जगह जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया, लीगली मैं अलग अलग हूं, तो सेक्शन 25 कहता है कि मैं डिस्टिंक्ट हूं, लेकिन हूं तो मैं एक ही, तो उसे भी रिलेटेड ही माना जाएगा. तो सेक्शन 25(5) क्या कहता है? पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन इन ए स्टेट इन रेस्पेक्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हैज एन एस्टेब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट, और वहां पर भी रजिस्ट्रेशन है, तो अलग अलग स्टेट में हमारा अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो हम सेक्शन 25 में डिस्टिंक्ट पर्सन है, लेकिन है तो हम एक ही, तो हम भी अगर एक दूसरे को फ्री में
समान बांटेंगे तो वो भी क्या होगा, कंसीडरेशन के बगैर भी सप्लाई माना जाएगा। मिस्टर पीके प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इनका ऑफिस दिल्ली में है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन पंजाब में भी ले लिया है। अब इन्होंने क्या करा, ये डिस्टिंक्ट माने जाएंगे, दिल्ली और पंजाब ऑफिस अलग अलग माना जाएगा, डिस्टिंक्ट है, लेकिन ये अगर एक दूसरे को फ्री में सप्लाई करेंगे तो भी वो टैक्सेबल हो जाएंगे। क्या ये क्यों लाया गया, ये हुआ कि अगर हम एक हेड ऑफिस है तो हम एज ए हेड ऑफिस अगर हम ब्रांच में ट्रांसफर कर रहे हैं तो फ्री में ही करेंगे। एक हेड ऑफिस अपने ब्रांच को माल भी देगा तो फ्री में ही तो देगा, उस पर भी हम टैक्स लगा रहे हैं। कंसीडरेशन लिया नहीं फिर भी उस पर जीएसटी लगेगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो टैक्सेबल इवेंट है वो सप्लाई है। आप कह सकते हैं हम हेड ऑफिस हैं, हम अपने आप को ही अपनी ही ब्रांच को माल दे रहे हैं तो बेच तोड़ी ना रहे हैं, तो उस पर जीएसटी क्यों लगेगा, हम तो बस सप्लाई कर रहे हैं, तो जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई, तो इसलिए सप्लाई पर लग रहा है। टैक्सेबल इवेंट कंसीडरेशन का मिलना नहीं है, सेल करना नहीं है, क्या है टैक्सेबल इवेंट, सप्लाई करना, तो सप्लाई हो रहा है, चाहे आप अपने ब्रांच को ही सप्लाई कर रहे हैं तो भी उस पर टैक्सेबल इवेंट होगा और टैक्स लग जाएगा। हेड ऑफिस एंड ब्रांच डिस्टिंक्ट पर्सन है, विद इन सेम स्टेट है तो भी, हेड ऑफिस महाराष्ट्र है, ब्रांच टू कर्नाटका में डिस्टिंक्ट पर्सन है, ब्रांच वन महाराष्ट्र में, ब्रांच टू कर्नाटका में डिस्टिंक्ट पर्सन है। स्टोर ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर, तो ट्रांजेक्शन बिटवीन डिफरेंट लोकेशन विद सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेम लीगल एंटिटी विल क्वालिफाई एज सप्लाई। तो अगर रजिस्ट्रेशन अलग अलग है तो सप्लाई तो माना जाएगा। एवरी सप्लायर इज लाइबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी लॉ इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। इंट्रा स्टेट सेल्फ सप्लाईज आर नॉट टैक्सेबल। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डिस्टिंक्ट पर्सन का क्या मतलब है कि सेक्शन 25 में दो अलग अलग स्टेट में आप हों और रजिस्टर्ड हो, विद इन द सेम स्टेट है और अलग अलग रजिस्ट्रेशन है तो भी आप डिस्टिंक्ट पर्सन है, लेकिन अगर आप सेम स्टेट में और रजिस्ट्रेशन अलग अलग नहीं है फिर नहीं है। तो एक ही स्टेट के अंदर एक हेड ऑफिस अपने ब्रांच को दे रहा है तो उस पर तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, अलग अलग स्टेट है सेक्शन 25 में कवर हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन है तो सप्लाई पर जीएसटी लगेगा। थर्ड पॉइंट में क्या आया, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू इस एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। हमारा एजेंट है, हमने उसको माल दिया है, तो जैसे हम हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को देता है ऐसे ही एजेंट को प्रिंसिपल दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर पी के प्रिंसिपल है, महाराष्ट्र में है, उन्होंने सप्लाई करा है गुड्स अपने एजेंट को पंजाब में, मिस्टर एस ने अंडरटेक करा सप्लाई ऑफ दैट गुड्स इन पंजाब ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर पी के। इन दिस केस सप्लाई ऑफ गुड्स बाय मिस्टर पी के टू मिस्टर एस शैल फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन एंड शैल बी लाइबल टू पे IGST। तो जो प्रिंसिपल और एजेंट के केस में अगर प्रिंसिपल हैंड ओवर कर रहा है माल एजेंट को कि आप आगे बेचो, तो वहां पर भी सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब ये चाहते हैं कि हमारा सप्लाई हो रहा है तो आप उस पर जीएसटी दीजिए। कंसिडरेशन उस सिचुएशन में इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको मिला या नहीं मिला और है या नहीं है। बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल ऑफिस वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। मिस्टर फॉर एग्जांपल मिस्टर पी के वर्क्स एज एजेंट एंड लोकेटेड इन दिल्ली, मिस्टर एस इज मैन्युफैक्चरर इन पंजाब, मिस्टर पी के एग्री टू परचेज सर्टेन गुड्स फ्रॉम दिल्ली
ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एस एवरी मंथ एंड सप्लाई द सेम टू मिस्टर पी के. जैसे जो ओनर है, प्रिंसिपल है ना, वो पंजाब में बैठा है, अब वो उसे है ना दिल्ली से माल खरीदना पड़ता है, तो उसने दिल्ली में एक बंदे से बात कर ली, अपने एजेंट से, कि भैया तुम हर महीना माल खरीद का मुझे भेजा करो. इन द अफोरसेड केस सप्लाई ऑफ गुड्स बाय पीके टू मिस्टर एस शैल फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ टर्म सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन. दिस सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पीके टू मिस्टर एस शैल बी सबमिट टू IGST. तो यहां क्या कह रहे हैं, पहला था प्रिंसिपल एजेंट को सामान भेज रहा था, दूसरे में एजेंट प्रिंसिपल को सामान भेज रहा है, तो दोनों ही सिचुएशन में कंसिडरेशन हो ना हो GST एप्लीकेबल होगा. पॉइंट नंबर 4, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन. इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया. जैसे हमारा था ना अभी अभी, कि भैया रिलेटेड था या सेक्शन 25 था, डिस्टिंक्ट पर्सन उसमें था, दूसरी स्टेट में हो, यहां क्या है इंडिया के बाहर हो गया, लेकिन यह सर्विस की बात हो रही है. इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तो इसमें तीन चार कंडीशन है. पहली कंडीशन केवल सर्विस की बात हो रही है, दूसरी रिलेटेड पर्सन से या अपनी ही अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया से, और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तो इसके अंदर बहुत सारी कंडीशन है. इन अदर वर्ड्स, इंपोर्ट बाय पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन हु इज आउटसाइड इंडिया शैल बी इंपोर्ट, बट इट शुड बी द कोर्स ऑफ फर्दरेंस और बिजनेस. This is to ensure that import of service by entities which are not registered under GST but are otherwise engaged in business is taxed when received from a related person or from other establishment outside India. Example देखिए, ABC associate है, Delhi में branch office है, उन्हें legal consultancy service मिली है head office Malaysia से, तो क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विस है? बिल्कुल है. क्या रिलेटेड पर्सन या अदर एस्टेब्लिशमेंट है? बिल्कुल है. आउटसाइड इंडिया से आ रहा है? बिल्कुल है. द हेड ऑफिस हैज रेंडर्ड सच सर्विस टू सैंडी, मतलब जिसे रिसीव हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट. ABC ब्रांच ऑफिस है, रिलेटेड है, सर्विस रिसीव विल क्वालिफाई एज सप्लाई इवन दो द हेड ऑफिस हैज नो चार्ज, तो उस पर GST लगेगा. इंपोर्ट और सर्विस में हमने क्या बात पढ़ी? विदाउट कंसिडरेशन अभी अभी हमने पढ़ा है, उसमें क्या कंडीशन है? रिलेटेड पर्सन होना चाहिए और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस हो तो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदर केस में नहीं होगा. और विद कंसिडरेशन हमने क्या पढ़ा है? ये तो हमने सेक्शन 7 में ही पढ़ा है. क्या? कि अगर हमने इंडिया के बाहर से सर्विस इंपोर्ट करी है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज बी में पढ़ा कि इंडिया के बाहर से हमने सर्विस ली है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, अगर हमने कंसीडरेशन दिया है तो वो टैक्सेबल है. तो यही लिखा है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, टैक्सेबल है. तो कंसिडरेशन दिया है तो टैक्सेबल है, कंसिडरेशन नहीं दिया है, रिलेटेड पर्सन है या सेम एस्टेब्लिशमेंट है, बिजनेस से रिलेटेड है तो टैक्सेबल है, अदरवाइज नहीं है. एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू बी सप्लाई अंडर सेक्शन 7 और नॉट. इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन फॉर पर्सनल पर्पस. बताओ बच्चों, पर्सनल पर्पस के लिए आपने इंपोर्ट करी सर्विस, तो बच्चों अगर विदाउट कंसिडरेशन आपने लिया है तो वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, पर्सनल है तो उस पर कोई GST नहीं लगेगा. सेकेंड,
इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन, फिर तो जीएसटी लगेगा लगेगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन लगेगा लगेगा, कंसिडरेशन होते ही लगेगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया विदाउट कंसिडरेशन फॉर पर्सनल पर्पस नहीं लगेगा, फॉर बिजनेस पर्पस लगेगा। ये तो बहुत आसान सा हो गया लग रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर वन किया था और अब हम बात करते हैं डेल क्रेडियर एजेंट। याद करिए अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है कभी कंसाइनमेंट, तो उसमें डेल क्रेडियर कमीशन देते हैं हम लोग। डेल क्रेडियर कमीशन हम अपने कंसाइनी को देते थे, एजेंट को देते थे, और उस कमीशन के बदले में क्या होता था कि अगर कंसाइनी को पैसा मिला है या नहीं मिला है क्रेडिट सेल का, वो हमें पूरा पैसा देता था, लेकिन एक्स्ट्रा कमीशन मिलती थी। ये वही उसी की बात हो रही है। डेल क्रेडियर एजेंट है अगर है इन कमर्शियल ट्रेड पार्लेंस, डीसीए मतलब डेल क्रेडियर एजेंट एक सेलिंग एजेंट है हु इज एंगेज्ड बाय प्रिंसिपल टू असिस्ट इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय कॉन्ट्रैक्टिंग पोटेंशियल बायर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो अगर मेरा कोई एजेंट है तो मेरे बिहाफ पर वो क्या करेगा, कस्टमर को सर्विस देगा, गुड्स देगा, और ज्यादा ज्यादा कस्टमर बायर्स को लेने की कोशिश करेगा, और इसके बदले में हम उसको कमीशन देंगे। द फैक्टर दैट डिफरेंशिएट ए डीसीए फ्रॉम अदर एजेंट इज दैट डीसीए गारंटी द पेमेंट टू द सप्लायर। तो हमारा जो डेलीगेटेड एजेंट है वो हमें गारंटी देता है कि वो हमें पूरा पैसा देगा, चाहे उसे पैसा मिले या ना मिले, बेडर्स हो या ना हो, बेडर्स का लॉस वो खुद बियर करेगा। इन सच सिनेरियो वेयर द बायर फेल्स टू मेक पेमेंट टू द प्रिंसिपल बाय द ड्यू डेट, डीसीए मेक द पेमेंट टू द प्रिंसिपल ऑन बिहाफ ऑफ द बायर, इफेक्टिवली प्रोवाइडिंग एन इंश्योरेंस अगेंस्ट डिफॉल्ट बाय द बायर, एंड फॉर दिस रीजन द कमीशन पेड टू डीसीए मे बी रिलेटिवली हायर देन दैट पेड टू ए नॉर्मल एजेंट। क्योंकि कोई अगर हमें गारंटी दे रहा है कि वो हमें पैसा देगा ही देगा, तो इसका मतलब उसे कुछ ना कुछ तो बेडर्स का लॉस उठाना ही पड़ेगा, तो उस बेडर्स के लॉस को कंपनसेट करने के लिए हम उसे एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं। इन ऑर्डर टू गारंटी टाइमली पेमेंट टू द सप्लायर द डीसीए कैन रिजोर्ट टू वेरियस मेथड्स। तो गारंटी के लिए डीसीए बहुत अलग अलग मेथड कर सकता है, एक्सटेंडिंग शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन बेस्ड लोन टू द बायर और पेइंग द सप्लायर हिमसेल्फ एंड रिकवरिंग द अमाउंट फ्रॉम द बायर विद सम इंटरेस्ट। तो हमने उससे कहा अपने एजेंट से हमें तो पैसा चाहिए, एजेंट को मिला नहीं, तो हो सकता वो बाद में बायर से कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर ले लेट पेमेंट की वजह से और हमें पहले ही पैसा दे दे। दिस लोन इज टू बी रिपेड बाय द बायर अलोंग विद इंटरेस्ट टू डीसीए एट ए रेट म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन डीसी एंड बायर। तो हमें पूछा जा रहा है कि वेदर ए डीसीए इज एजेंट अंडर पैराग्राफ 3 ऑफ स्केड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। हमने जो बात करी थी कि हमने स्केड्यूल 1 में जब हम बात कर रहे थे, मैं आपको दिखाता हूं कहां पर हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। तो यहां की बात हो रही है कि सप्लाई ऑफ गुड्स में हमने जब पढ़ा था प्रिंसिपल अपने एजेंट को माल दे रहा है या एजेंट अपने प्रिंसिपल को दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा स्केड्यूल 1 था, और अगर हमारा डीसीए है तो जब हमारा प्रिंसिपल डीसीए को माल ट्रांसफर करेगा तो उसे सप्लाई माना जाएगा या नहीं, और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं, तो इसके लिए बात हो रही है। तो लिखा है नो इफ द इनवॉइस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज इशूड बाय सप्लायर टू द कस्टमर ईदर हिमसेल्फ और थ्रू डीसीए। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू वैसे बताता हूं, जैसे मिस्टर ए हैं और मिस्टर ए अपने डीसीए मिस्टर बी को डेलीगेटेड एजेंट है, इसको इनको इन्होंने गुड सप्लाई करे, और फिर मिस्टर बी ने आगे मिस्टर सी को माल बेच दिया। अब यहां मेन बात है कि जो जब माल बेचा तो इनको जो इनवॉइस इशू हुआ मिस्टर सी को, ये इनवॉइस किसने इशू किया है? अगर ये इनवॉइस मिस्टर ए ने इशू किया है तो ये
ये वाली सप्लाई जो मिस्टर ए से बी को आई थी ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी, मतलब जो टैक्सेशन इवेंट है वो यहां पर हमारी सप्लाई मानी जाएगी, और जो ए ने बी को दिया था ये नॉट कवर्ड है स्केड्यूल वन में, क्योंकि मिस्टर ए अपने आप ही खुद बिल बनाकर दे रहे हैं, मिस्टर बी का अपना बिल नहीं है, तो मिस्टर बी के पोजीशन में वो माल एक तरीके से नहीं है। यहीं पर दूसरा पार्ट है, यस इफ द इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज इश्यूड बाय डीसीए इन हिज ओन नेम, अगर डीसीए मिस्टर बी अपने नाम से मिस्टर सी को इनवॉइस दे रहे हैं तो इसका मतलब मिस्टर बी के पास वो जो माल आया था वो ट्रांसफर हो गई थी, एक तरीके से ट्रांसफर हो गया था, तो ऐसी सिचुएशन में जीएसटी पहले ही लग जाएगा। मैं आपको डेट के साथ और बता देता हूं, सपोज 20 अप्रैल को ए ने बी को माल दिया और 5 मई को बी ने सी को माल बेचा है, तो अगर बिल इनवॉइस अगर मिस्टर ए इशू कर रहे हैं मिस्टर सी को, मिस्टर ए कौन है, जिन्होंने प्रिंसिपल है, मिस्टर ए मेन प्रिंसिपल है, मिस्टर ए अगर मिस्टर ए खुद मिस्टर सी को इशू कर रहे हैं इनवॉइस, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो यहां पर हमारी जो सप्लाई है वो 5 मई को मानी जाएगी और जीएसटी 5 मई के हिसाब से लगेगा। लेकिन अगर इनवॉइस मिस्टर बी खुद अपने नाम से दे रहे हैं, अगर मिस्टर बी खुद अपने नाम से दे रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो सप्लाई है वो 20 अप्रैल की मानी जाएगी और टैक्सेबल इवेंट 20 अप्रैल का होगा। तो ये डीसीए के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे लिखा है और इससे रिलेटेड वो देख लेते हैं, इफ टेम्परेरी शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन बेस्ड लोन इज गिवन बाय डीसीए टू द रेसिपिएंट फॉर विच इंटरेस्ट इज चार्ज बाय डीसीए, देन वेदर सच इंटरेस्ट इज टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड बाय प्रिंसिपल और सप्लायर। ये कह रहे हैं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल दिया, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को बेचा, तो यहां पर अभी अभी जो हमने एग्जांपल लिया था सेम वही है, ए ने बी को माल दिया, बी है इनका डेलीगेटेड एजेंट और सी को सोल्ड हो गया, तो सी कौन है, सी है बायर, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर लोन दिया है, इफ टेम्परेरी शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन बेस्ड लोन इज गिवन बाय डीसीए टू रेसिपिएंट, अब हमें क्या है, ए कह रहा है कि उसे पैसा चाहिए और सी ने पैसा दिया नहीं, तो ए ने कहा भैया मुझे पैसा चाहिए, सी के पास पैसा नहीं है, तो बी ने बीच में क्या करा, शॉर्ट टर्म लोन अवेलेबल करा दिया बायर को और उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करा। तो अब ये जो इंटरेस्ट है क्या ये इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ गुड्स में आएगा, जैसे वैल्यू ऑफ गुड्स मान लिया 50,000 है, इंटरेस्ट है 500 रुपए का, इस 500 रुपए का इंटरेस्ट क्या हम 50,000 में ऐड करके 50,500 रुपए के इनवॉइस पर क्या हम जीएसटी लगाएं? तो ये लिखा है कि इफ डीसीए इज नॉट एन एजेंट, नो इंटरेस्ट बीइंग चार्ज बाय डीसीए वुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई टू द बायर बाय द सप्लायर, दिस इज सो बिकॉज लोन बीइंग प्रोवाइडेड बाय डीसीए टू बायर इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस बाय डीसीए टू द रेसिपिएंट ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस एंड इज ए इंडिपेंडेंट सप्लाई। अगर डीसीए हमारा एजेंट नहीं है, एजेंट है या नहीं कैसे हम पता चला रहे हैं कि जो हमारा हम अपने आप ही उसे इनवॉइस इशू कर रहे हैं, मिस्टर ए मिस्टर सी को इनवॉइस इशू कर रहा है, मिस्टर बी डीसीए एज ए एजेंट काम नहीं कर रहे हैं, अपने आप से खुद से वो इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हैं, तो 1-to-1 बेसिस पर वो एजेंट है ही नहीं, अपने आप कर रहे हैं अरेंजमेंट, तो इसका मतलब इंटरेस्ट जो है वो अपने आप उनका बी और सी का अपना मामला है, ए को इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मिस्टर बी उनके एजेंट है ही नहीं एज पर स्केड्यूल वन। लेकिन अगर डीसीए एजेंट है, द टेम्परेरी शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन बेस्ड क्रेडिट बींग प्रोवाइडेड बाई डीसीए टू द बायर no longer written its character of independent supply, thus the value of the interest we charge for such credit will require to be included in the value of supply of goods by DCA to the recipient. अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है, यहाँ पर ये सिचुएशन है कि अगर सप्लाई
हमने बात करी थी इनवॉइस कौन इशू कर रहा है, ये इनवॉइस इशू कर रहा है हमारा, अगर अब डीसीए अपनी अपनी कैपेसिटी में कर रहा है अपना अलग है तो हमने बात कर दी कि भैया वो इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर डीसीए एजेंट है और डीसीए एजेंट है तो वो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी नहीं है डीसीए की, एजेंट है तो वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा है, तो इंटरेस्ट लेगा तो भैया प्रिंसिपल को वापस करेगा। ऐसा सोचते हुए हम 50,000 में 500 रुपए इंटरेस्ट की अमाउंट को ऐड कर देंगे। तो ये सिचुएशन बताई गई है डीसीए से रिलेटेड। अब हम एक और बात करते हैं जो अलग से हमें डिस्कस करने की जरूरत है, वो है सेल्स प्रमोशन स्कीम। जैसे कई बार होता है कि हम कहते हैं एक के साथ एक चीज फ्री है, आप एक चीज खरीदिए 1+1 का ऑफर है, या फिर फ्री सैंपल मिलते हैं आपको, गिफ्ट मिलते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जीएसटी का क्या होगा उसमें, तो हम उससे रिलेटेड बातें सीखते हैं कि जीएसटी उस सिचुएशन में कैसे लगेगा। पहले हम फ्री सैंपल की बात करते हैं। अगर सैंपल फ्री में दिए गए हैं, सैंपल्स विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन डू नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर जीएसटी एक्सेप्ट वेयर द एक्टिविटी फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ शेड्यूल 1। तो हमें पता है कि सप्लाई के लिए क्या होना चाहिए, एक तो कंसिडरेशन होना जरूरी है और दूसरा बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। अब अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो सप्लाई नहीं होती है, लेकिन उसका एक्सेप्शन शेड्यूल 1 में दे रखा है। शेड्यूल 1 में बता रखा है कि कौन कौन सी सिचुएशन में कंसिडरेशन नहीं होने के बाद भी सप्लाई माना जाएगा। तो शेड्यूल 1 में फ्री सैंपल की तो बात ही नहीं है, है ना। ITC shall not be available to the supplier on the input services and capital goods to the extent they are used in relation to the gift of free sample distributed without any consideration। बस एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप फ्री में बांट रहे हो तो आप बांट दो, कोई टेंशन नहीं है, हम इस पे जीएसटी भी नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको कोई पैसा तो मिल नहीं रहा, फ्री में बांट रहे हो। लेकिन इससे गवर्नमेंट का भी तो नुकसान है कि आप बेच ही नहीं रहे हो तो गवर्नमेंट के पास टैक्स आ नहीं रहा है, तो गवर्नमेंट कह रही है क्योंकि हमारे पास टैक्स नहीं आ रहा है तो आप एक काम करिए इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो इस पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमने पढ़ा भी था कि अगर कोई फ्री में अपनी बिजनेस एसेट को देता है, ये हम पढ़ चुके हैं शेड्यूल 1 में, कि अगर कोई फ्री में अपनी विदाउट एनी कंसिडरेशन अपनी कोई बिजनेस का स्टॉक एसेट बांट रहा है और उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुका है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। तो वही बात है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट मत लो, है ना, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के बाद में फ्री सैंपल बांटते हो तो फिर वो सप्लाई माना जाएगा, ठीक है ना, या इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करो अपने को। बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर है अगर तो क्या होगा, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ फ्री गुड्स। आपसे आप कह रहे हो एक के साथ एक फ्री, तो एक का पैसा तो ले रहे हो ना, तो फ्री सैंपल अलग है और ये अलग है। बट ए केस ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई वेयर ए सिंगल प्राइस इज बीइंग चार्ज फॉर द एंटायर सप्लाई इट कैन बी ट्रीटेड एज सप्लाई टू गुड्स फॉर द प्राइस ऑफ 1। तो यहां पर क्या रखा है कि अगर कोई चीज अलग अलग है, देखो एक बात क्या होती है, ये कह रखा है कि एक तो इंडिविजुअल सप्लाई तो नहीं है फ्री गुड्स की, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर हमने दो या दो से ज्यादा अलग अलग इंडिविजुअल सप्लाई करी है, हमने कहा है कि बाय 1 गेट 1 ऐसा है कि आप एक खरीद लो बाद में एक आप अलग से फ्री ले लो कोई भी, तो एक तो वो होता है, एक वो होता है कि 1+1 2 है, दोनों पैक हैं कि भैया एक के साथ एक फ्री है। तो टैक्सेबिलिटी ऑफ सच सप्लाई विल बी डिपेंडेंट अपॉन एज टू वेदर द सप्लाई इज ए कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई एंड द रेट ऑफ टैक्स विल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंगली। अभी हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई के बारे में, कि जहां पर एक से ज्यादा चीजें मिक्स होती हैं तो उस पर कौन सा हम टैक्स रेट लगाएंगे। तो ITC शैल बी अवेलेबल टू द सप्लायर फॉर द इनपुट्स इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स यूज्ड इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज ए पार्ट ऑफ सच ऑफर।
तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, नो डाउट, बिल्कुल मिलेगा। और आपको ये जो आप माल दे रहे हो ये सप्लाई भी माना जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जो हमारा टैक्स लगेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है, उस हिसाब से हम करेंगे। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A ऑफ द CGST एक्ट क्लेरिफाई सर्टेन एक्टिविटी ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूटिंग सप्लाई ईदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। स्केड्यूल 2 टू द CGST एक्ट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन विच हैव बीन क्लासिफाइड ईदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या है कि हमें GST बताएगा, GST एक्ट बताएगा कि भैया ये है सप्लाई ऑफ गुड्स और ये है सप्लाई ऑफ सर्विसेज।